हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। यम्मी किचन विद ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर आई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो इधर हमने ले लिए हैं दोस्तों 1 किलो चावल। ये हमारे मोटे चावल हैं, तो इन्हें हमने पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था। तो और इसे अच्छे पानी से हमने साफ़ कर लिया है। देखिए बिल्कुल वाइट वाइट हो गए हैं। और इन्हें क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, तो इस तरह से हम हाथ से इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे और हमारी ये कनकी बनकर तैयार हो जाएगी। हमें बनाना है इसकी कचड़ी। होली का आ गया सीजन दोस्तों, इस वजह से हमारे यहाँ कचड़ी पापड़ बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। पहले से ही हम लोग तैयार करके रख लेते हैं। तो इधर हमने आधा किलो 1 किलो चावल लिया है, तो इसमें हम 1 ही लीटर पानी डाल देंगे इस तरह से। और भिगोए हमने इस वजह से क्योंकि हमारी कचड़ी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, और जब बनके कंप्लीट हो जाएंगी इसे हम भूनेंगे तो बहुत ज़्यादा फूली फूली रहेंगी। और इधर दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और इधर ले लिया नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इधर हम डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है चावल की कचड़ियों में। तो इस तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे और इसे हम पकाएंगे अच्छे से। और दोस्तों सेम प्रोसेस हमने इसमें किया है। तो इसमें भी हमने 1 किलो चावल ले लिए थे फूले हुए, अब उनको भी अच्छे से मीट लिया है। और 1 किलो चावल में 1 ही लीटर हम पानी मिलाएंगे, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। इसमें डाल दिया हमने नमक और 1 चम्मच अजवाइन। अब इसको भी कवर करके 2 से 3 सीटी लगा देंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे से हमें इसको पकाना है। और इधर दोस्तों मैंने दोनों बर्तन को गैस पे चढ़ा दिया है और इन्हें अच्छे से हम पका लेंगे। हमारी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। देखिए गांव की पारंपरिक इस तरह से हम लोग बनाते हैं त्यौहार में पहले से ही। तो दोस्तों मैंने इधर गैस से बर्तन उतार लिया और चावल हमारे बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और देखिए इस तरह से बने हैं गीले गीले, देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से बनकर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसे हमें ठंडा करना है। आप जल्दी हो तो इसे पंखे की हवा में भी इसको ठंडा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको ठंडा कर लेंगे। और दोस्तों इधर हमारा बना हुआ चावल ठंडा हो गया है। अब इसको ले चलते हैं हम रसोई की ओर। और इधर थोड़ा थोड़ा हमने इसमें मिक्सी में डाल दिया है इसको, 2 से 3 चम्मच, पूरा फुल नहीं करना है और इसे पीस लेना है। और इस तरह से हम इसको पीस लेंगे। और इधर मैंने इसको पीस लिया है, किसी बर्तन में निकाल लेंगे। और इधर एक अच्छा स्मूथ बनकर हमारा तैयार हो गया है, देख सकते हैं कितना अच्छा ऐसा है। और इधर मैंने सबको अच्छे से पीस लिया है। अब हम जाएंगे छत पर इसे बनाने के लिए धूप में। और इधर दोस्तों धूप में चारपाई डाल रखी, इसमें बिछा दिया हमने कपड़ा, इसे एक ऊपर बनाएंगे। दोस्तों इधर मैंने एक कपड़ा ले लिया है रुमाल टाइप का, और उसमें एक छेद बना लिया है और उसको इस तरह से धागे से रफू कर दिया है। अब इसी में हम अपना बैटर जो बनाया था अच्छा गाढ़ा, उसको इसमें रख देंगे। अब हम मैंने इसको इसमें रख दिया है। और दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से जलेबी बनाते हैं, और इसको हमें इस तरह से दबा के कस के लंबा लंबा करके इसे फैला लेना है। आप चाहो इसका गोल शेप दे सकते हो। इस तरह से हम बना लेंगे इसको। और इस तरह से हमने सारी कचौड़ियों को बना लिया है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।